Assalamualaikum, welcome back to my vlog. My name is Arsalan Mehboob और आप देख रहे हैं Arsalan Mehboob YouTube channel. ज़ाहिर बात है मैं अपने चैनल पर ही आऊँगा ना, किसी और के चैनल पे तो आने से रहा, और अगर आया भी तो थोड़ी देर के लिए ही आऊँगा. सो दोस्तों, मेरी एक अपनी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है कि सिनेमेटिक मूड के अंदर ज़्यादा अच्छी वीडियो बनती है, ना कि सिंपल कैमरे से, और इससे एक अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है. एंड वट आई बिलीव कि रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो सबको दिखने में भी अच्छा लगेगा. एटलीस्ट कंटेंट क्वालिटी तो अच्छी हो सकती है. अब बंदा जब बाहर निकला हो तो लेफ्ट राइट का शोर आ रहा होता है, लोग गुजर रहे होते हैं, सारी चीज़ों को देखकर ही वीडियो बनानी पड़ती है. सो अगर आप लोग बाहर निकल के वीडियो बनाते हो तो सबसे ज़्यादा आप लोगों को किस किस चीज़ का मुश्किल का सामना होता है? मेरे लिए इतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं हो जाती, लेकिन कभी कभार एक ऑकवर्ड मोमेंट हो जाता है कि कैमरा यूज़ कर रहा है, वो भी पब्लिक प्लेस में. पर शायद अब मेरा कम्फर्ट जोन खुल चुका है. चलें तो मैं आज आप लोगों को देने लगा हूँ एक बहुत ही ख़ास, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिप कि पाकिस्तान में डॉलर कैसे लेकर आया जाए. नंबर वन, कि आप पाकिस्तानी हैं तब आपको डॉलर्स की बहुत ज़रूरत है, या फिर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो एटलीस्ट आपकी कमाई का ज़रिया कुछ ना कुछ तो डॉलर्स में होना चाहिए, बेशक आप कम ही डॉलर्स कमा रहे हो. सो मेरे पास टिप नंबर वन है यूट्यूब चैनल. यूट्यूबर बनने के लिए आपके पास किसी भी तरह का डिप्लोमा, डिग्री या कोई ऐसी क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी नहीं है. बस कैमरे का अच्छा इस्तेमाल करना, यूट्यूब चैनल को मैनेज करना और थोड़ी इन्फॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. आप लोगों ने एक मिसाल तो ज़रूर सुनी होगी, दिले मुफ्त रहम. जब यूट्यूब को इस मिसाल का पता चला तो उन्होंने 4000 आर एंड 2000 सब्सक्राइबर्स का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रख दिया. सो आपको वो पूरा करना पड़ेगा अपने डॉलर्स कमाने से पहले. इस टाइम में जो आते हैं सो लाइट गई हुई थी, चल ही रही थी, और ना उसका शोर आपको मिले हमेशा ही था. अभी मैं साइकिलिंग कर रहा हूँ, मैं आपको नेक्स्ट टाइम बता दूँ कि कोशिश करें कि अपने यूट्यूब पर कुछ ना कुछ नॉलेजेबल चीज़ दें. अगर नॉलेजेबल चीज़ नहीं दे सकते तो कुछ नेगेटिविटी से दूर रहने के ऊपर रख सकते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की दुनिया करके इंडिया के जितने भी व्यूवर जहाँ से भी देखने वाले हैं, नेगेटिविटी एंड हैप्पी एंड टॉक्सिक माहौल बहुत ज़्यादा हो चुका है. तो उससे दूर रहने के लिए कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ एंटरटेनिंग चीज़ें लोगों को दिखाएं. आज से कुछ अर्सा पहले यूट्यूब के ऊपर रोस्टिंग करना, लोगों की गेम्स खिलाना और लोगों को मेंटल तौर पर या फिजिकल तौर पर अब्यूज़ करना कहीं हद तक अलग. ट्रस्ट में गाइस, मैंने इतने सेलिब्रिटीज के साथ काम किया, जो कॉन्फिडेंस मुझे ब्लॉगर मास सफर के इंटरव्यू के अंदर लगा ना, जो कि मैं यूजुअली नहीं देखता ब्लॉगर्स के इंटरव्यूज या कोई. मैंने पहली बार उसका व्लॉग का इंटरव्यू देखा एंड ही सो मैच्योर एंड स्ट्रॉन्ग माइंडसेट पर्सन आई नेवर सीन बिफोर इन माय लाइफ इन मीडिया.